So next circuit is squaring circuit using log amplifier. This is the last topic of this chapter. देखो अभी हमने अब तक क्या किया, एनालॉग मल्टीप्लायर और एनालॉग डिवाइडर सर्किट देखा विद द हेल्प ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर. अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो इनपुट सिग्नल का स्क्वेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज ये सर्किट देखो, इस सर्किट में क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका गेन 2 है. देखो ये फीडबैक रेजिस्टेंस आ रहे, इनपुट रेजिस्टेंस भी आ रहे, और यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक लॉग एम्पलीफायर कनेक्ट किया, लॉग एम्पलीफायर यूज किया यहाँ पे, जिसका इनपुट क्या है V1 है, और उसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ V1 मिलेगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे आने के बाद ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फीडबैक और इनपुट रेजिस्टेंस अगर इक्वल होता है तो उसका गेन कितना रहता है, 2 रहता है, क्योंकि इसका गेन का इक्वेशन क्या है, 1 RF/R1. तो 1 RF और R1 की वैल्यू अगर सेम रही तो उसका रेशियो 1 रहेगा, तो 1 + 1 कितना होता है, 2. तो इसका गेन क्या रहेगा, 2 रहेगा. तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 2, और ये इनपुट वोल्टेज लॉग ऑफ V1. ये अगर हमने एंटी लॉग एम्पलीफायर को इनपुट दिया तो हमें एंटी लॉग एम्पलीफायर के आउटपुट में क्या मिलेगा, ये इनपुट का स्क्वेयर मिलेगा, VO इज इक्वल टू VI स्क्वेयर या V1 स्क्वेयर. ओके, तो इसका हम डेरिवेशन भी देख सकते हैं. देखो ये तो आपको पता चला कि ये लॉग एम्पलीफायर A1 है, जिसका इनपुट सपोज VI है, तो हमें उसका आउटपुट में क्या मिलेगा, लॉग ऑफ VI मिलेगा. तो ये अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसका गेन 2 है, तो हमें उसका आउटपुट में क्या मिलेगा, गेन इनटू इनपुट वोल्टेज. तो गेन क्या है, 2, और इनपुट वोल्टेज क्या है, लॉग इनटू VI. तो एंटी लॉग एम्पलीफायर में क्या मिलेगा हमें, VO इज इक्वल टू VI स्क्वेयर. देखो लॉग V0 और लॉग VO इज इक्वल टू लॉग VI स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ VI स्क्वेयर, मतलब क्या है, 2 log into VI. ओके, और उसको अगर हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग ऑफ लॉग VO इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 into log VI, क्योंकि लॉग VO क्या है, लॉग VI, 2 into log VI है. ओके, सो VO इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 log VI, 2 log VI. ओके, सो लेट अस इंप्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर एज शोन इन फिगर 3.9.5. ये 3.9.5. The output of log amplifier A1 is applied to the non-inverting amplifier A2 having gain 2. So its output of A2 will be 2 log into VI. This is passed through the anti-log amplifier to get VO is equal to VI square. तो ये anti-log amplifier से अगर पास किया हमने, तो हमें क्या मिलेगा? e^2 log of VI. ठीक है, log of VI. e^2 log of VI. देखो हम अभी उसको मैं डेरिवेशन दिखा दो आपको कैसा है. यहाँ पे स्क्वेयरिंग सर्किट में हमें क्या चाहिए, VO इज इक्वल VI स्क्वेयर, मतलब ये VO इज इक्वल VI स्क्वेयर पर चाहिए, और VI क्या है, इनपुट है, जिसका हमें स्क्वेयर चाहिए. तो log of VO is equal to log VI square is equal to log VI. Now take the anti-log of both sides, we get anti-log of log VO is equal to anti-log of 2 log VI. So anti-log of log cancel हो जाएगा, हमें यहाँ पे VO मिलेगा, और यहाँ पे anti-log of 2 log VI. मतलब हमें देखो कैसे मिलेंगे इक्वेशन, आई विल को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दो. यहाँ पे लॉग इनटू V1 आएगा, ये उसका इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ये एंटी लॉग एम्पलीफायर का जो इनपुट है ये है. तो एंटी लॉग एम्पलीफायर मतलब क्या रहता है, 1 / देखो एंटीलॉग एम्पलीफायर का
मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूँ एक बार फिर से। देखो ये आउटपुट है माइनस आई जीरो इंटू आर एफ, मतलब यहाँ पे क्या है 1/k2 आएगा, क्योंकि आई जीरो इंटू आर एफ मतलब 1/k2 लेते हैं हम, ठीक है। सो माइनस 1/k2 ये रेस्ट टू पावर वी एन डिवाइड बाई ईटा इंटू वी टी, और ईटा इंटू वी टी को हम k1 लिखते हैं, तो यहाँ पे वी एन डिवाइडेड बाई k1 आएगा। ओके सो नाउ विल मूव टू द एक्सप्रेशन ऑफ स्क्वेयरिंग सर्किट। देखो वन यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस k1 log बेस e k2 इंटू इनपुट क्या है हमारा vi, k2 इंटू vi ये यहाँ पे मिलेगा हमें। ओके और यही ये किसका इनपुट है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, जिसका गेन क्या है 2 है, तो यहाँ पे सपोज हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम VO1 बोलेंगे, फॉर एग्जांपल VO1, तो VO1 क्या मिलेगा हमें VO1 इज इक्वल टू गेन क्या है, गेन उसका है 2, तो ये माइनस साइन यहाँ पे एज इट जाएगा 2 k1 log बेस e k2 इंटू v1 बराबर है। ये कहाँ मिलेगा हमें यहाँ पे, ये जो है ये हमें यहाँ पे मिलेगा, और ये जो है ये हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके नाउ अब ये जो है ये किसका इनपुट है, ये एंटीलॉग एम्पलीफायर का इनपुट है, तो एंटीलॉग एम्पलीफायर को एंटीलॉग एम्पलीफायर को क्या रहता है हमारा आउटपुट, एंटीलॉग एम्पलीफायर का आउटपुट है सपोज वीओ, तो इसको हम लिखेंगे वीओ इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू माइनस 1/k2 माइनस 1/k2 ई रेस टू पावर क्या है, ये VO1 मतलब इसका इनपुट है, मतलब माइनस 2 k1 लॉग बेस ई log बेस e k2 इंटू v1 k2 इंटू v1, और उसको डिवीजन में क्या रहता है यहाँ पे k1 रहता है, तो ये k1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे फिर यहाँ पे vo इज इक्वल टू माइनस 1/k2 माइनस 1/k2 बराबर है ई रेस टू पावर माइनस 2 लॉग बेस ई k2 इंटू v1
K2 into V1 और VI, ओके okay. तो ये जो टर्म है ये कैसे आएंगी, इसका आउटपुट हमें मिलेगा VO इज इक्वल टू माइनस इसको ये माइनस टू लॉग बेस ई के टू इंटू वी वन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो है माइनस ये माइनस साइन को एज इट इज रखा, सपोज हमने टू लॉग बेस ई के टू इंटू वी वन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये टू को यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी आई स्क्वेयर ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि ये टू इधर आता है फिर फार्मूला का यूज करके. सो टू लॉग बेस ई के टू वी आई को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ई के टू वी आई स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है. अब ये ई रेस टू पावर माइनस लॉग बेस ई ये कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ये टर्म बचेंगे यहाँ पे के टू इंटू वी आई स्क्वेयर. तो क्या बचेंगे यहाँ पे, मैं ऊपर लिखता हूँ इक्वेशन, तो ऊपर लिखता हूँ उसको वी ओ इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस वन बाय के टू माइनस वन बाय के टू इंटू ई रेस टू पावर जो लॉग बेस ई ये इंटू एक्स, मतलब क्या होता है एक्स होता है ये इक्वेशन में मालूम है. तो यहाँ पे क्या बचेंगे सर, के टू इंटू माइनस के टू इंटू वी वन वी आई स्क्वेयर K2 into VI square. ये K2 K2 cancel हो जाएगा, minus minus plus हो जाएगा. तो क्या बचेगा output में? Output voltage VO is equal to VI square. तो हमें output voltage में क्या मिला? Input voltage का square. Okay? So in this way we can analyze this circuit. समझ में आ गया ये? Yes? Any doubt in this? Sir. Yes. Sir, तुम्ही ते equations लिहिले ना? तर ते तुम्ही एका पेज वर असं नीट लिहून म्हणजे थोडं याच्यात नीट पण. Okay.